सिनेमा शो में आज बात करेंगे प्राइम वीडियो की सीरीज मेड इन हेवन 2 की, जिसकी रिलीज डेट आ गई है। बताएंगे सूर्या की फिल्म कंगुआ में कौन होगा विलन और शाहरुख खान की जवान से कैप्टन अमेरिका फिल्म का क्या है कनेक्शन। तो चलिए फटाफट डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। नेटफ्लिक्स की सीरीज हार्ट स्टॉपर के दूसरे सीजन का ट्रेलर आ गया। ये सेम नेम से आई ग्राफिकल नॉवल पर बेस्ड सीरीज है, जिसके पहले सीजन को बहुत पसंद किया गया था। दूसरे सीजन को 3 अगस्त से देख सकेंगे। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने पांचवें दिन इंडिया में 6.25 करोड़ रुपए कमाए। मूवी ने अब तक 62 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। वहीं बारबी ने पांचवें दिन 2.3 करोड़ रुपए कमाए। इसने इंडिया में कुल 23.4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। कुछ दिनों पहले सूर्या की फिल्म कंगुआ का फर्स्ट लुक आया था, जिससे जनता का प्यार मिला। अब बताया जा रहा है कि मूवी में बॉबी देओल विलेन बनेंगे। शिवा के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग को बॉबी देओल अगले महीने से शुरू करेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक और एक्ट्रेस ने शो छोड़ दिया है। कोई मूवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया आहूजा राजदा ने शो को क्विट किया है। वो तारक मेहता में रीटा रिपोर्टर के रोल में दिखती थी। अमीषा पटेल ने गदर की सक्सेस पर बात करते हुए कहा कि ये फिल्म उनकी लाइफ में गेम चेंजर साबित हुई, मगर इसकी वजह से उन्हें नुकसान भी हुआ। एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए अमीषा ने कहा, इतनी सफलता मिलने का एक दूसरा पहलू भी था। इस फिल्म ने इतना तगड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया था कि इसके बाद मेरी अच्छी फिल्मों ने भी इसके कंपैरिजन में अच्छी कमाई नहीं की। वरुण धवन ने एटली के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट VD18 पर बात की। पिंकविला से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं सच में बहुत कुछ रिवील नहीं कर सकता, लेकिन बस ये कह सकता हूँ कि ये मास एंटरटेनर फिल्म होगी। फिल्म में बहुत एंटरटेनमेंट होगा और मैं अपना 100% इस फिल्म को दूंगा। यामी गौतम अपने पति और डायरेक्टर आदित्य धर के साथ एक बार फिर से कोलैबोरेट करने जा रही हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और धूमधाम के बाद एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी। ये इस साल सितंबर से फ्लोर पर आ जाएगी। मनोज वाजपेयी, प्राची देसाई और अर्जुन माथुर की फिल्म साइलेंस का सीक्वल बनने वाला है। Z5 पर आई इस फिल्म को जनता का ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। सीक्वल की शूटिंग शुरू हो चुकी है, इसे सितंबर तक शूट किया जाएगा। शाहरुख की जवान में कुछ तगड़े एक्शन सीन्स होने वाले हैं, जिन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस, कैप्टन अमेरिका, वेनम, स्टार ट्रैक जैसी फिल्मों का एक्शन सीन कोरियोग्राफ करने वाले स्पीरियो रिजॉर्ट्स डायरेक्ट करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि शाहरुख और विजय के फाइटिंग सीन को स्पीरियो डायरेक्ट करेंगे। जवान को लेकर तगड़ा बज है, इसे बड़े लेवल पर बनाया भी जा रहा है। इसके पहले गाने जिंदा बंदा को लेकर अपडेट आया है। ट्रेड एनालिस्ट मोहन बाला के मुताबिक इस गाने को शोबी ने कोरियोग्राफ किया है, जिसकी शूटिंग 5 दिनों तक चली। इस गाने पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खास बात यह भी है कि इस गाने के लिए 1000 डांसर्स को 4 बड़े शहरों हैदराबाद, बैंगलोर, मदुरई और मुंबई से बुलाया गया था। जोया अख्तर और रीमा कागती की मेड इन हेवन 2 की रिलीज डेट आ गई। अर्जुन माथुर, शोभिता धूलीपाला, शशांक अरोड़ा स्टारर इस सीरीज को 10 अगस्त से देख सकेंगे। टाइगर श्रॉफ रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स से जुड़ने वाले हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह रणबीर सिंह की फिल्म सिम्बा के क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार का इंट्रोडक्शन शॉट है, जिसमें उन्हें बतौर सूर्यवंशी इंट्रोड्यूस किया जाता है, वैसे ही अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन में टाइगर श्रॉफ का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल और पूनम ढिल्लो की बेटी पालोमा की फिल्म दोनों का टीजर आ गया। दोनों एक्टर्स ही इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। राजश्री प्रोडक्शन की इस लव स्टोरी को सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश बड़जात्या डायरेक्ट करेंगे। पंजाबी सिंगर सुरेंदर शिंदा का 26 जुलाई को निधन हो गया। वो 64 साल के थे। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और वो वेंटिलेटर पे थे। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। जाते जाते एक ट्रिविया सुनते जाइए। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्म डर में पहले ऐश्वर्या राय को कास्ट किया जाने वाला था। उनकी कास्टिंग लगभग तय थी। यश चोपड़ा जूही चावला वाला रोल ऐश्वर्या को देना चाहते थे। कई इवेंट्स में उन्होंने ऐश्वर्या से फिल्म को लेकर बात भी की थी, लेकिन बाद में ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लिया, इसलिए वो डर का हिस्सा नहीं बन पाए। खैर, बाद में डर आई और शाहरुख के साथ जूही चावला को भी खूब पसंद किया गया। चलिए अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमसे। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।